The desire for more positive experience is itself a negative experience, and paradoxically, accepting all your negative experience is itself a positive experience. कहना ये चाहता हूँ मैं इस कोर्ट से कि अगर आप मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की तलाश में हैं और मुस्तकिल आप ये चाह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में और आ जाए और आ जाए और आ जाए, तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकलने वाला है कि आप नेगेटिव फील करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आप पैसे के अतबार से ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा पैसा आ जाए, मैं और ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊँ, तो आप नतीजतन अपने आप को गरीब महसूस करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पैसे की तमन्ना करना इट्सेल्फ इस बात की अलामत है कि आप ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मौजूद नहीं है आपको खुश करने के लिए। इसी तरह अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी खूबसूरती के अंदर ज़्यादा इजाफा हो जाए और मैं मज़ीद लोगों से खूबसूरत बन जाऊँ, यानी कि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, तो इसका नतीजा फाइनली ये निकलने वाला है कि आप अपने आप को बदसूरत अगली महसूस करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। और जब अगली महसूस करेंगे अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बदसूरत महसूस करेंगे, तो क्या आप कभी खुश रह सकते हैं? क्या कभी खुश नहीं रह सकते। इसी तरह अगर आप चाहते हैं और इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में दोस्तों में इजाफा हो जाए, आपके फ्रेंड ज़्यादा हो जाएँ, आपका सर्कल ज़्यादा हो जाए, तो अल्टीमेटली आप ये फील करने वाले हैं कि आप लोनली हैं, आप अकेले हैं, और आपको अकेलापन महसूस होगा और अल्टीमेटली आप नेगेटिव फील करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप मुस्तकिल पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की तलाश में हैं, तो फाइनली नतीजा ये निकलने वाला है कि आप नेगेटिव फील करेंगे। देखिए, इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तमन्ना करना छोड़ दें और तलाश ख़त्म कर दें, बल्कि इस बात से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपको अल्लाह ने इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट के अंदर दिया है, उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि अगली बात जो मेरे जुमले की थी वो ये थी कि एक्सेप्टिंग ऑल योर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इज़ इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, यानी कि आपको जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है, चाहे वो आपको कम ही क्यों ना लगे, अगर आप उन तमाम सेटबैक्स को, उन तमाम अपनी ज़िंदगी में जो आपको नाकामियाँ नज़र आ रही हैं, जो आपको कमियाँ नज़र आ रही हैं, खामियाँ नज़र आ रही हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नज़र आ रहे हैं, अगर आपने उनको आज से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो इट्सेल्फ ये आपके लिए एक पॉजिटिव, अच्छा, मुस्बत एक्सपीरियंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे जितना अल्लाह ने पैसा दिया है वो यकीनन बहुत से लोगों से ज़्यादा पैसा होगा दुनिया में, तो ये सोच, ये एक्सेप्ट करना आपके लिए, आपको महसूस होगा कि आप अमीर हैं, आप बहुत लोगों से ज़्यादा आप लकी हैं और बहुत सारे लोगों से ज़्यादा आपके पास ये नेमत मौजूद है, तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव फील करेंगे। और अगर आप अपने आप को इसी तरह ज़्यादा लोगों से खूबसूरत महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत सारे लोगों से दुनिया में ज़्यादा खूबसूरत होंगे, तो ये इस नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना अल्टीमेटली आपके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाएगा और आप अपने आप को पॉजिटिव फील करवाने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे और आप खुश महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपने सोचा कि जितने दोस्त आपकी ज़िंदगी में अभी मौजूद हैं वो यकीनन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों से, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली आप कभी भी लोनली फील नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। तो बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी में और मोर 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 की तमन्ना बंदा करे, इससे काफ़ी अच्छा ये है कि इंसान को जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं उसके ऊपर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे। इस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह उसकी नेमतों के अंदर और ज़्यादा इजाफा फरमा देंगे। और अगर आप पूरी ज़िंदगी नाशुक्री में लगे रहे, जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उनका आपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, तो नतीजा ये निकलेगा कि जो आपके पास मौजूदा करंट चीज़ें हैं उनसे आप एक तो कभी खुश नहीं रह सकेंगे, और जो मौजूद चीज़ें हैं वो भी आपसे एक ना एक दिन छिन जाएंगी। सो आई एम अगेन रिपीटिंग डेट कोट, ताकि वो आप जो है वो पूरी ज़िंदगी आप अपने दिमाग में महफूज रखें और इस कोट पे अमल करें। द डिज़ायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एंड एक्सेप्टिंग ऑल योर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अस्सलामु अलैकुम।